लोकेशन टीकमगढ़। रिपोर्टर गोविंद दास पाल। ग्राम रामगढ़ कारस देव बाबा ग्राउंड में स्कूल के बच्चन का मेला लगाया गया। संस्था का नाम प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भोपाल, जिला टीकमगढ़, ब्लॉक जतारा। टीम के कर्मचारी शैलेंद्र सोनी, मोनिका जैन, दिनेश चौधरी। आज दिनांक 2/5/2023 को जतारा ब्लॉक के रामगढ़ गांव में बच्चों की मूल्यांकन के उद्देश्य से फलन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को रोचक गतिविधियों जैसे शारीरिक गतिविधि, भाषा का विकास, बौद्धिक विकास, गणित की पूर्व तैयारी, बच्चों का कोना, कई प्रकार की गतिविधियां शामिल की गई, जिनके अंतर्गत कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें बच्चे एवं बच्चों के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में प्रथम एजुकेशन की ओर से शैलेंद्र सोनी, दिनेश चौधरी एवं मोनिका जैन शामिल रही। बच्चे और बच्चों की माताएं बहुत ही उत्सुकता से कार्य कर रहे थे। मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा से जोड़ना एवं स्कूल से जोड़ना। माता पिता को ये पूर्ण जानकारी रहे कि हमारे बच्चे किस क्षेत्र में किस हद तक कार्यरत हैं। मेले के आयोजन से बच्चों एवं उनके अभिभावकों में काफी उत्साह था और सभी ने में पूर्ण जिम्मेदारी के साथ मेले में हिस्सा लिया। मेले में गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए वॉलंटियर बनाए गए थे, जिनमें शिवा, खुशबू, विश्वकर्मा, कृष्णम, राजा, विनोद, आरती, रावेंद्र, रजक शामिल रहे। आप कौन सी संस्था से? जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से आई हुई हूँ। मेरे इस गांव में साथी हैं जो शैलेंद्र सोनी हैं और दिनेश जी हैं। तो हम लोग इधर एक मेले का आयोजन कर रहे हैं, रेडीनेस मेले का। इस मेले में हम लोग बच्चों को खेल के माध्यम से कुछ गतिविधियां कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भाषा का विकास, बौद्धिक विकास, गणित की पूर्व तैयारी। गणित की पूर्व तैयारी हम लोग ये देख रहे हैं कि बच्चा स्कूल आने से पहले या स्कूल आने के बाद उसको कितना आ रहा है, तो उसकी तैयारी करवाई जा रही है। बच्चों को खेल के माध्यम से बच्चों में रोचकता लाना, जो बच्चों से शारीरिक विकास, बच्चा आंगनबाड़ी के बाद स्कूल में आता है तो उनका शारीरिक विकास बच्चे का कितना हुआ है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रोचकता लाना है और मेरा इसमें उद्देश्य है हम लोगों का, मेरी संस्था से, कि बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए। स्कूल में बच्चे की उपस्थिति बहुत अच्छी रहे और बच्चा खेल में पढ़ाई के माध्यम से सीखे। आप मतलब क्या सिखाया है आज के ये हमारा जो मेला लगा हुआ था, इसमें हम जो रेडीनेस मेला था, इसमें हमारी 6 स्टॉल लगाई गई है, जिसमें हम शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास, गणित की पूर्व तैयारी और बच्चों का कोना। इसमें एक बच्चों का कोना होता है जो बच्चे रंग भरते हैं। बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उनको बताया जाता है कि आपको कैसे रंग भरना है जी। तो इसमें कुछ हमारी रोचक गतिविधियां हैं, जैसे इसमें एक हमारा एक कार्ड दिया गया है, इसमें बताया गया है बच्चा इसमें हंस रहा है, ये भावात्मक गतिविधियां हैं। तो ये बच्चा खुद से फोकस करता है कितना उनको आ रहा है, खुद से वो पहचान अपने दिमाग में छवि बनाता है कि ये इसमें रो रहा है तो ये क्यों, ये इस कैसा है। तो इस तरीके की गतिविधियों के माध्यम से हम लोग इनको सिखाते हैं। और ये जो कार्ड है माता को दिया जाता है, इसमें जो बच्चे हम लोग 1 और 2 के शामिल करते हैं, इसमें बच्चे की माता का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें ये है कि माता अपने बच्चे के साथ रहती है तो सबसे पहली शिक्षा गुरु उनकी माता ही है। टीचर सबसे पहले बच्चे की गुरु उनकी माता ही है, तो बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी माता के पास रहता है। तो माता आके देखे कि मेरे बच्चे को कितना आ रहा है, उसके बाद ही बच्चा आगे क्या कर रहा है और क्या सिखाने की ज़रूरत है, ये माता सिखा सकती है। धन्यवाद। इसमें कुछ चीज़ें हमारी बौद्धिक विकास में दी गई हैं कि रंग पहचान करवाना, ये माता घर में बच्चों को करवा सकती है। जैसे ये पीला है, ये लाल है, ये माता को खुद कलर पता होते हैं, वो करवा सकती है। इसमें जैसे कुछ चीज़ों को अलग अलग करना है, इसको गणित में वर्गीकरण बोलते हैं, पर अभी बच्चों को अलग अलग करना बताते हैं। जैसे दाल, चावल, ये सब अलग अलग करना, तो बच्चों की समझ होती है कि दाल को दाल अलग करनी है, चावल को अलग करना है। धन्यवाद। आज आपने ग्राम रामगढ़ में क्या, किस संस्था के बारे में क्या रखा है? ये जो है, ये ग्राम रामगढ़ में जो जतारा ब्लॉक में आता है जी, इसमें हम लोगों ने एक रेडनेस मेले का आयोजन किया है। तो इस मेले के अंतर्गत हम लोगों ने कक्षा 1 और 2 के बच्चों को शामिल किया है जी, और बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी आना आवश्यक है ताकि वह शाला में मेले में आए और बच्चों के साथ गतिविधि में भाग लें। तो मेले में कई प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास,
और गणित की पूर्व तैयारी और बच्चों का कोना, इस प्रकार की एक कार्ड के माध्यम से हम लोग बच्चों को गतिविधियां करवाते हैं। तो इसमें मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही होता है कि हम बच्चों अभिभावकों को शिक्षा की ओर जागरूक करें, उनके माता पिता को शिक्षा से जोड़ें, बच्चों को नियमित स्कूल पहुँचने दें और खेल खेल में ही शिक्षा के महत्व को समझाया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो आज आपने क्या यहाँ पे सिखाया बच्चों को? यहाँ पर हमने एक बच्चों को कार्ड देते हैं, तो उस कार्ड को लेकर वो बच्चे और बच्चे के माता या पिता जो भी उसके साथ आती हैं, वह जाकर स्टॉल बाय स्टॉल लगे होते हैं मेले में, तो वो उस पहले स्टॉल पे जाएंगे तो जैसे शारीरिक विकास का है तो उस पे बच्चों से जैसे सीधी लाइन पे चलना, फिर टेढ़ी लाइन पे चलना, फिर बैलेंस बना के चलना, फिर एक गोले में कूदना, फिर बाहर निकलना, इस प्रकार की गतिविधियां इसमें सम्मिलित होती हैं। और आगे चलते हैं तो और शैक्षिक गतिविधियां सम्मिलित हो जाती हैं, जिसमें पढ़ना और बच्चों को रंगों के बारे में पहचान कराना, मुख्य उद्देश्य इसका होता है हमें बच्चे की जाँच करना कि बच्चा कितना कर पाता है और कितना सीख रहा है। धन्यवाद।